हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राज स्वामी। दोस्तों, आप सभी फेसबुक तो यूज करते ही होंगे और फेसबुक यूज करते समय आप उस पर वीडियोज भी देखते होंगे और किसी किसी वीडियो को बाद में देखने के लिए उसे सेव तो करते ही होंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने वीडियोज को सेव करने के अलावा कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट में भी डाल सकते हैं, तो आप शायद ये कहेंगे कि क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, प्लेलिस्ट तो यूट्यूब पर होती है, फेसबुक पर कहाँ होती है। लेकिन यह सच है, अब आप यूट्यूब के जैसे फेसबुक पर भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सीखते हैं कि हम फेसबुक पर प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपने फेसबुक प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी वीडियो यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये वीडियो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस ऊपर दिए गए 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सेव वीडियो के नीचे सेकंड नंबर पर एड टू प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा नेम। यहाँ पर आपको अपने प्लेलिस्ट का जो भी नेम रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिख देना है। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन, इसमें आपको अपनी प्लेलिस्ट से रिलेटेड या अपनी प्लेलिस्ट के बारे में कुछ भी लिख देना है जो आप लिखना चाहते हैं। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी सेटिंग, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पब्लिक, फ्रेंड्स और या ओनली मी। अगर आप अपने इस प्लेलिस्ट को ऑल फेसबुक यूजर्स के लिए ओपन रखना चाहते हैं तो आपको पब्लिक के ऑप्शन को चूज करना है, और यदि आप ओनली अपने फेसबुक फ्रेंड को ही अपनी प्लेलिस्ट दिखाना चाहते हैं तो आपको फ्रेंड्स पर क्लिक करना है। और अगर आप अपनी इस प्लेलिस्ट को किसी को भी दिखाना नहीं चाहते हैं तो आपको ओनली मी को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। के बाद आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी और ये वीडियो उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको अपना कोई दूसरा वीडियो उस प्लेलिस्ट में ऐड करना है तो आपको एड टू प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अपनी उस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है और वो वीडियो उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। लेकिन बात अभी यहीं पर पूरी नहीं हुई। अगर आप अपनी उस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन से वीडियो हैं, तो उसके लिए 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका यह है कि आपको क्रिएटर स्टूडियो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप पर जाकर ही आप अपने उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और दूसरे तरीके में आपको वीडियो पर आने के बाद आपको वापस 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको एड टू प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, आपने उस प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको इस व्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आपकी उस प्लेलिस्ट में मौजूद सारे वीडियो यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी वीडियो को वापस रिमूव करना है तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और एड टू प्लेलिस्ट के नीचे रिमूव फ्रॉम प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देना है, वो वीडियो रिमूव हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस देखते रहना।